जय गुरुदेव डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ श्री गुरु कृपा सीनियर सेकेंडरी स्कूल रायपुर। टुडे वी विल लर्न अबाउट करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड हेयर वी विल डिस्कस अबाउट पास्ट सिंपल टेंस इन करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में कैसे होता है उसके कुछ रूल्स देखे थे, और हमने पास्ट सिंपल टेंस में कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब किस तरह से आती है, क्या आता है, ये पढ़ा था हमने। एक बार फिर से हल्की सी जानकारी के लिए, पास्ट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, डिड यूज़ कहाँ होती है, Only in interrogative sentence or negative plus interrogative sentence। मेन वर्ब के बारे में पढ़ा था, डिड के साथ क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म, और अदर वे में क्या आती है, सेकेंड फॉर्म। अब पास्ट सिंपल टेंस के ही अदर्स रूल में हम अगला नियम पढ़ते हैं, वो संबंधित है हाइपोथेटिकल कंडीशनल सेंटेंस से। हाइपोथेटिकल कंडीशनल सेंटेंस के बारे में आपने सुना होगा, सामान्य रूप से इनको कहते हैं मन लुभावनी शर्त वाले वाक्य, यानी ऐसे वाक्य जिनमें केवल मन को आनंदित करने के लिए, मन को प्रसन्न करने के लिए, इसको असंभावित शर्त भी कहा जाता है। एक वर्ड आता है असंभावित शर्त, यानी इसमें ऐसी शर्त दी हुई है जिसका संभव होना मुश्किल ही है, असंभव सी है। तो हाइपोथेटिकल कंडीशनल सेंटेंस जो होते हैं उसमें जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह से होता है, आप पहले ही जानते हैं कंडीशनल सेंटेंस का मतलब क्या होता है, इफ वाले सेंटेंस। और हाइपोथेटिकल कंडीशनल सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर पर यदि चर्चा की जाए, तो पहला जो वाक्य, या यूं कह दो इफ वाला जो सेंटेंस होता है, इफ वाला सेंटेंस होता है पास्ट सिंपल में, और जो दूसरा वाक्य होता है जिसको रिजल्ट क्लॉज बोलते हैं, रिजल्ट क्लॉज जो है वहां आएगा वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इस तरह से स्ट्रक्चर रहता है। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो हाइपोथेटिकल कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं उनमें जो कंडीशन क्लॉज होता है, कौन सा क्लॉज, कंडीशन क्लॉज, वो हमेशा ही किस में आएगा, पास्ट सिंपल टेंस में। जैसे वाक्य देखिए, इफ आई ब्लैंक स्पेस बी रिच, आई वुड हेल्प यू। उसी प्रकार दूसरा सेंटेंस देखते हैं, जैसे इफ सी ब्लैंक स्पेस बी ए बर्ड सी वुड फ्लाई। उसी प्रकार एक सेंटेंस और देखते हैं, इफ यू ब्लैंक स्पेस बी ए लीडर
यू वुड वर्क फॉर डेवलपमेंट। अब इन दोनों वाक्यों में देखिए, पहला वाक्य है इफ आई ब्लैंक स्पेस रिच आई वुड हेल्प यू, यदि मैं धनवान होता तो मैं तुम्हारी मदद करता। इसका मतलब यह है कि वो व्यक्ति धनवान नहीं है और ना ही शायद उसमें कैपेसिटी है कि वो धनवान हो सकता है, इसीलिए इस प्रकार के वाक्य को काम में लिया गया है। दूसरे वाक्य में इफ सी ब्लैंक स्पेस बी ए बर्ड सी वुड फ्लाई, यदि वह पक्षी होती वह उड़ती। अब सी जो आ रहा है किसी लड़की या स्त्रीलिंग के लिए आ रहा है और उसके लिए पॉसिबल नहीं हो कि वो बर्ड है, तो इस तरह से ये जो दोनों ही वाक्य हैं जो कि कंडीशन क्लॉज हैं और आगे आए हुए हैं आई वुड हेल्प यू सी वुड फ्लाई, ये दोनों ही क्या है रिजल्ट क्लॉज। जैसा हमने ऊपर स्ट्रक्चर देखा, रिजल्ट क्लॉज में क्या आता है वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ आया हुआ है वुड और ये हेल्प वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ आया हुआ है वुड और ये फ्लाई वर्ड की फर्स्ट फॉर्म, और कंडीशन क्लॉज इफ और उसके साथ क्या आएगा पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल का मतलब अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और यदि इंटरोगेटिव नेगेटिव है तो डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इन दोनों ही वाक्यों को देखने से हमें पता चलता है कि ये वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो हमें कोष्टक में जो दी हुई वर्ब है बी उसकी कौन सी फॉर्म लिखनी है सेकेंड फॉर्म। बी की फॉर्म्स हमने बताई थी, फर्स्ट फॉर्म में हमने क्या बताया था इज आर ऑब्लिक एम, और सेकेंड फॉर्म में क्या बताया था वॉज ऑब्लिक वर, और थर्ड फॉर्म के बारे में हमने क्या बताया था बीन, और यहाँ हमें कौन सी फॉर्म भरनी है सेकेंड फॉर्म, तो या तो आएगा वॉज या वर। अब विद्यार्थियों यहाँ एक बात इंपॉर्टेंट बता देते हैं, हाइपोथेटिकल कंडीशनल सेंटेंसेस में चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट होता है चाहे प्लूरल सब्जेक्ट होता है, सभी में वर्ब का ही यूज बी की फॉर्म के रूप में होता है। तो यहाँ दोनों ही वाक्यों में भले ही यहाँ पे आई जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है और सी यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, फिर भी हम दोनों ही सेंटेंस में हम क्या भरेंगे यहाँ पे वर्ब भरेंगे। इफ आई वर रिच, यदि मैं धनवान होता, इफ सी वर ए बर्ड, यदि वह एक पक्षी होती। यहाँ वर जो है हाइपोथेटिकल कंडीशनल के सेंटेंसेस के कारण यूज हुआ है, तो आपको एग्जाम में ये ध्यान रखना है कि यदि वहाँ बी आ जाता है और वो सेंटेंस हाइपोथेटिकल कंडीशनल सेंटेंस है तो आपको निश्चित रूप से वहाँ पे क्या भरना है वर ही लिखना है। इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे इफ यू ब्लैंक स्पेस बी ए लीडर यू वुड वर्क फॉर डेवलपमेंट। उसी प्रकार एक अन्य सेंटेंस और देखते हैं जिसमें हम बी की जगह किसी और वर्ब का यूज करके देखते हैं, इफ ही हैव विंग्स ही वुड फ्लाई। यहाँ इन वाक्यों में हम एक बार फिर से देखते हैं, पहला सेंटेंस इफ यू ब्लैंक स्पेस बी ए लीडर कंडीशन क्लॉज, यू वुड वर्क फॉर डेवलपमेंट रिजल्ट क्लॉज। यू वुड वर्क फॉर डेवलपमेंट जो सेंटेंस आया हुआ है उसमें वुड के साथ कौन सी फॉर्म आ रही है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेकेंड सेंटेंस इफ ही ब्लैंक स्पेस हैव विंग्स ही वुड फ्लाई, वुड के साथ क्या आ गया है फ्लाई वर्ब
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब जो कंडीशन क्लॉज है उसमें हमारे स्ट्रक्चर के अनुसार क्या आना है, इफ प्लस पास्ट सिंपल टेंस। तो हमें यहाँ ब्लैंक स्पेस में क्या भरना है, पास्ट सिंपल टेंस मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यदि अफर्मेटिव सेंटेंस है डिड प्लस वर्ब की, सॉरी वर्ब की सेकेंड फॉर्म यदि अफर्मेटिव सेंटेंस है, और डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यदि नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस है। वाक्य को देखने से पता चल जाता है वाक्य कैसा है, अफर्मेटिव सेंटेंस, तो इसलिए यहाँ पे पहले से सेंटेंस में आ जाएगा बी की सेकेंड फॉर्म वर, और दूसरे सेंटेंस में आया हुआ है हैव। हैव की फॉर्म के बारे में हम चर्चा की थी, हैव की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, हैव ऑब्लिक हैज, सेकेंड फॉर्म क्या होती है, हैड, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, हैड बीन। और हमें यहाँ क्या भरनी है, सेकेंड फॉर्म, तो हम ही के साथ क्या लिखेंगे यहाँ पे, हैड। तो इस तरह से ये जो रूल है हाइपोथेटिकल कंडीशनल सेंटेंस यानी लुभावने शर्त वाले वाक्य या असंभावित शर्त वाले वाक्यों में जो कंडीशन क्लॉज होता है उसमें इफ के साथ पास्ट सिंपल टेंस का यूज होता है। नेक्स्ट रूल में हम देखते हैं वो आता है इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस। विद्यार्थियों इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच जिनको शॉर्ट में हम नरेशन कहते हैं, उसके बारे में हम पूरे वीडियो में अध्ययन करेंगे आगे आने वाले वीडियो में। यह हल्का सा बता देते हैं कि जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, उस कंडीशन में यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट सिंपल होता है, क्या होता है, प्रेजेंट सिंपल, रिपोर्टेड स्पीच किसकी, डायरेक्ट स्पीच की, तो हम इसको जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, इनडायरेक्ट में चेंज करते समय ये जो प्रेजेंट सिंपल आता है ये किससे बदल जाएगा, पास्ट सिंपल टेंस में। प्रेजेंट सिंपल का सीधा कन्वर्जन किस में हो जाएगा, पास्ट सिंपल टेंस में। अब यानी डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच किस में आएगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस, उसको जब इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो वही प्रेजेंट सिंपल टेंस किस में बदल जाएगा, पास्ट सिंपल टेंस में। जैसे एक एग्जांपल इनडायरेक्ट स्पीच का ही हम डायरेक्ट देखते हैं, ही सेड टू मी, ही सॉरी टोल्ड मी दैट ही ब्लैंक स्पेस वर्क हार्ड फॉर दोज एग्जाम्स। अब इस वाक्य में देखिए जब टोल्ड लिखा हुआ आ गया, इसका मतलब ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये पास्ट सिंपल टेंस में है, और यहाँ देखो दोज वर्ड आ रहा है। डायरेक्ट स्पीच में जब दीज लिखा हुआ आता है तो इनडायरेक्ट में बनाते समय उसका क्या बन जाता है, दोज। इस दोज से दीज का मतलब होता है ये, और दोज का मतलब होता है वो, तो इसका मतलब यहाँ जो वर्ड आ रहा है वो कि वो एग्जाम यानी उन एग्जाम्स के लिए, तो यहाँ बताने में जो है भूतकाल अपना भी आ जाता है। तो यहाँ जो ब्लैंक स्पेस है, हम ब्लैंक स्पेस में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म भरेंगे, सेकेंड फॉर्म, और क्या आ जाएगी, वर्कड, और टेंस कौन सा हो जाएगा, पास्ट सिंपल टेंस। उसी प्रकार अब यहाँ देखो हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाक्य इनडायरेक्ट स्पीच है या नहीं, आप जब इनडायरेक्ट स्पीच में पढ़ेंगे तो कन्वर्टिंग होते समय आप देखेंगे उसमें दो भाग होते हैं वाक्य के, पहला भाग ये होता है रिपोर्टिंग वर्ब,
और दूसरा भाग होता है रिपोर्टेड स्पीच। तो जब किसी वाक्य में रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दिए हुए आते हैं तो लगभग वो वाक्य कैसा होता है, इनडायरेक्ट स्पीच। और इनडायरेक्ट स्पीच वाले वाक्य में यदि पास्ट टेंस की जो अदर टेंस होते हैं पास्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट उनसे संबंधित कोई वर्ब या एडवर्ब नहीं दे रखी होती है तो वहाँ पास्ट सिंपल टेंस ही होता है। तो इस आधार पे आपको ध्यान रख के उसको फिल करना पड़ेगा। एक एग्जांपल और देखते हैं, दे आस्क्ड मी, दे आस्क्ड मी इफ आई ब्लैंक स्पेस सी ए बर्ड देयर। अब इस सेंटेंस में देखिए, यहां आस्क्ड आ गया, दे आस्क्ड मी, आस्क कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल। अब यहां आया आई सी ए बर्ड देयर, देयर यानी वहां। अब यहां भी जो है ये वाक्य जो है इसमें न तो कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस की न पास्ट परफेक्ट की न पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की कोई एडवर्ब हमें मिल रही है। इसका मतलब वाक्य कैसा है, पास्ट सिंपल। और यहाँ ये सोच सकता है, अगर ये सामान्य स्थिति होती तो यहाँ प्रेजेंट सिंपल भी आ सकता था। कारण यह है कि यहाँ पे किसी भी टेंस की कोई एडवर्ब नहीं होती तो हम प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल दोनों में से कोई भी यहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन चूंकि ये वाक्य इनडायरेक्ट स्पीच का है और इनडायरेक्ट स्पीच में यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट सिंपल की होती है तो रिपोर्टेड स्पीच कभी भी प्रेजेंट सिंपल में नहीं आ सकती। तो हमारे पास बचा हुआ टेंस कौन सा रहता है, पास्ट सिंपल। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, पास्ट सिंपल टेंस को फिल करेंगे और यहाँ सी की सेकेंड फॉर्म हो जाएगी सा, क्योंकि वाक्य कैसा है, अफर्मेटिव सेंटेंस, और अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, सेकेंड फॉर्म। इसी प्रकार एक अन्य एग्जाम्पल हम और देखते हैं ताकि आप इसको अच्छी तरह से समझ सकें। बस ध्यान ये रखना है आपको कि वाक्य को पहचानना है कि वाक्य इनडायरेक्ट स्पीच का है या नहीं। अगर वो इनडायरेक्ट स्पीच का वाक्य है तो निश्चित रूप से आपको वहाँ पे कौन सी फॉर्म भरनी पड़ेगी। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट सिंपल में है तो दूसरा पास्ट सिंपल में आ सकता है अगर कोई दूसरी एडवर्ब नहीं है। यू सेड दैट he have a new car। अब यहां देखो ये वाक्य पजेशन वाला है, हमने बताया था पजेशन वाला वाक्य अगर उसमें पास्ट का कोई इंडिकेशन दे रखा होता है तो हम उसमें पास्ट सिंपल ही लिखते हैं। और यहां पास्ट का इंडिकेशन केवल इस वाक्य से नहीं पता चलता है, यानी यदि केवल इस वाक्य पे ध्यान दें हम, He blank space have a new car, इस वाक्य को यदि गौर से देखें तो हम ये नहीं पता कर सकते कि यहाँ पे पजेशन पास्ट सिंपल पास्ट टेंस का इंडिकेशन दे रहा है। लेकिन जब दोनों ही वाक्यों को हम साथ में पढ़ते हैं यू सेड दैट, तो हमें पता चल जाता है कि ये वाक्य सामान्य वाक्य नहीं है, ये इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। क्योंकि ये वाक्य कैसा आ गया, रिपोर्टिंग वर्ब आ गया, और चूंकि इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है तो इस पजेशन वाले वाक्य में जो ये तो प्रेजेंट सिंपल आता है या पास्ट सिंपल, हम यहाँ प्रेजेंट सिंपल बिल्कुल ही नहीं भर सकते, हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, पास्ट सिंपल। तब यहाँ आ जाएगा ही और हैव की कौन सी फॉर्म आएगी, सेकेंड फॉर्म, और वो होती है हैड। तब हम लिखेंगे ही हैड ए न्यू कार। अब स्ट्रक्चर बेस पे जो पास्ट सिंपल टेंस फिल करने का अगला रोल है, जो अंतिम रूल कह सकते हैं हम, उसके बारे में चर्चा करते हैं। आप जब पास्ट परफेक्ट टेंस हम आपको पढ़ाएंगे उस समय बताएंगे कि वहाँ एडवर्ब के रूप में बिफोर और आफ्टर का यूज होता है, बिफोर प्लस बिफोर ऑब्लिक आफ्टर, या तो बिफोर आता है या आफ्टर आता है एडवर्ब के रूप में। बिफोर और आफ्टर का यूज पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है और वहाँ एक कॉम्बिनेशन चलता है। जब भी आपको बिफोर और आफ्टर एडवर्ब मिल जाती है
एडवर्ब क्या आएगी, बिफोर और आफ्टर। हालांकि इसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में और बताएंगे, लेकिन यहाँ पास्ट सिंपल टेंस भी इससे कनेक्टेड है, इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं कि जब भी एडवर्ब के रूप में बिफोर और आफ्टर का प्रयोग होता है तो वहाँ जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर विद बिफोर एंड आफ्टर, उस कंडीशन में क्या होता है वो देखते हैं। तो बिफोर और आफ्टर दोनों में से कुछ भी आएगा उसमें एक कॉम्बिनेशन रहेगा, आगे पीछे की बात नहीं करते। एक सेंटेंस होगा पास्ट सिंपल टेंस में और एक सेंटेंस होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो इसका मतलब यहाँ ये नियम है कि यदि कहीं पर बिफोर और आफ्टर का यूज हो रखा है किसी वाक्य में और वहां यदि पास्ट परफेक्ट टेंस फिल किया हुआ आता है तो जो बचा हुआ वाक्य है, चाहे वो पहले आता है या बाद में, उसमें आपको पास्ट सिंपल टेंस ही लिखना है, यानी पास्ट सिंपल टेंस की वर्ब ही फिल करनी है। जैसे वाक्य आ गया, द स्टूडेंट्स हैड कंप्लीटेड देयर वर्क्स बिफोर द टीचर ब्लैंक स्पेस आस्क। उसी तरह का एक अन्य सेंटेंस, ही ब्लैंक स्पेस सबमिट हिज प्रोजेक्ट वर्क आफ्टर आई हैड रिमाइंडेड हिम। उसी प्रकार एक और वाक्य देखते हैं, वी हैड बुक्ड और सीट्स बिफोर द विंडो ब्लैंक स्पेस सी क्लोज। तो इन सेंटेंस को देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पे पास्ट सिंपल टेंस को भरा जाएगा। मैंने यहाँ ऊपर आपको बता दिया कि यदि बिफोर और आफ्टर का यूज हो रखा है तो वहां कॉम्बिनेशन होगा, एक तो होगा पास्ट सिंपल और एक होगा पास्ट परफेक्ट। आप देख रहे हैं जो भी सेंटेंस कंप्लीट किए हुए आ रहे हैं वो सारे पास्ट परफेक्ट के हैं, जैसे हैड और उसके साथ आई हुई वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैड जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है और उसके साथ आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो पहले वाक्य में भी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, दूसरे वाक्य में भी हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और तीसरे वाक्य में भी हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस तरह से सभी वाक्यों में पास्ट परफेक्ट टेंस फिल हो रखा है। इसका मतलब आपको वहां क्या फिल करना है, पास्ट सिंपल टेंस। क्यों करना है, क्योंकि बिफोर आफ्टर का जहां यूज होता है वहां पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है। पास्ट सिंपल टेंस को फिल करते समय आपको केवल इतना ही सोचना है कि वाक्य जो है किस प्रकार का है, क्योंकि वहां ये ध्यान देना होगा अगर वाक्य नेगेटिव या इंटरोगेटिव है तो वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और डिड आएगा, और यदि वाक्य अफर्मेटिव है तो वहां आएगी वर्ब की सेकेंड फॉर्म। और आप इन वाक्यों को देखते हैं, द टीचर ब्लैंक स्पेस आस्क, ही ब्लैंक स्पेस सबमिट हिज प्रोजेक्ट वर्क,
लास्ट में द विंडो क्लोज। इन वाक्यों में कहीं भी आपको क्वेश्चन मार्क नहीं मिल रहा है, इसका मतलब वो इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है। कहीं भी आपको नॉट नहीं मिल रहा है, इसका मतलब वो वाक्य नेगेटिव भी नहीं है। जब कोई भी वाक्य इंटरोगेटिव नहीं है, कोई भी वाक्य नेगेटिव नहीं है, तो बचा हुआ कैसा आ जाता है? अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका मतलब ये तीनों ही वाक्य कैसे हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस। तो हम इन तीनों ही सेंटेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म भरेंगे। आस्क की सेकेंड फॉर्म होती है आस्क्ड, सबमिट की सेकेंड फॉर्म होती है सबमिटेड, और क्लोज की सेकेंड फॉर्म होती है क्लोज्ड। इस तरह से इन वाक्यों को हम हल करेंगे। अब यहाँ हमारे पास सिंपल टेंस के सभी प्रकार के नियम जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में फिल करने में काम आते हैं कंप्लीट हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट टेंस के बारे में स्टडी करेंगे, और हमारा नेक्स्ट टेंस जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के लिए हमें पढ़ना है वो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस के बारे में जो हमें आज बेसिक चीज़ों का अध्ययन करना है, पहली चीज जो हम हर टेंस के बारे में जानते हैं और जाननी चाहिए वो है हेल्पिंग वर्ब, फिर दूसरी चीज मेन वर्ब, और फिर तीसरी चीज एडवर्ब्स। यानी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स के टॉपिक जब भी आप पढ़ते हैं, उनके बारे में क्वेश्चन हल करते हैं, तो आपको इनकी जानकारी होनी चाहिए। जैसे पास्ट कंटिन्यूस टेंस जो है उसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में दो आती है, एक आती है वॉस और दूसरी आती है वर। वॉस का यूज किसके साथ होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ। और वर का यूज किसके साथ होता है? प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ। अब इस टेंस में एक खास बात है, बाकी सभी टेंस में हम आई को प्लूरल मानते हैं, लेकिन यहां आई के लिए हम एक वर्ड काम में लेते हैं, सिंगुलर फर्स्ट पर्सन। आई क्या है? सिंगुलर फर्स्ट पर्सन कहेंगे इसको। यानी केवल इसी टेंस में आई जो है वो सिंगुलर फर्स्ट पर्सन के रूप में, सिंगुलर के रूप में स्वीकार किया जाएगा। यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के जितने भी वाक्य आएंगे उन सभी वाक्यों में आई के साथ किसका यूज होगा? वॉज का। बाकी जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट है उन सभी के साथ किसका यूज होगा? वर का। केवल आई के साथ किसका यूज होगा? वॉज का। बाकी सिंगुलर सब्जेक्ट जो है उनमें सामान्य रूप से वॉज ही आता है। मैन वर्ब की टेंस में फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, उसके साथ आईएनजी को जोड़ देते हैं। फर्स्ट फॉर्म के साथ जब आईएनजी जोड़ी जाती है तो इस फॉर्म को बोलते हैं पार्टिसिपल फॉर्म। क्या बोलते हैं? पार्टिसिपल फॉर्म। तो यूं कह सकते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस में वर्ब की पार्टिसिपल फॉर्म का यूज किया जाता है, यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज किया जाता है। अब एडवर्ब कौन कौन से आते हैं विद्यार्थियों? आपने जो एडवर्ब्स प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में पढ़े थे वो सारे के सारे एडवर्ब्स इसमें भी आते हैं, थोड़ा बहुत फेर बदल के साथ। वो कैसे होते हैं देखते हैं। कंटिन्यूस टेंस में एडवर्ब आता है एट दिस टाइम, लेकिन यहां एडवर्ब आएगा एट दैट टाइम। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में एडवर्ब आता है एट दिस मोमेंट, यहां आएगा एट दैट मोमेंट। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आता है नाउ, यहां आएगा देन। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आता है इन दीज डेज, यहां आ जाएगा इन दोज डेज। अब ये तो जो चेंज होके एडवर्ब्स आते हैं वो है, इसके अलावा भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के एडवर्ब्स को एज इट इज यूज किया जा सकता है। उसमें शर्त क्या रहती है? जैसे मान लो किसी वाक्य में लिखा हुआ आ गया एट दिस टाइम, और यदि वो वाक्य पास्ट कंटिन्यूस टेंस का है तो उसके साथ एक आपको पास्ट का टाइम जो है इंडिकेशन जरूर मिलेगा, यानी पास्ट के टाइम को बता रहा कोई ना कोई फ्रेज वहां पे जरूर होगा। उसी प्रकार यदि आ जाता है एट दिस मोमेंट ऐसा लिखा हुआ आ जाता है, तो वहां भी आपको यदि तो या तो कोई ऐसा वाक्य मिल सकता है जो पास्ट को बता रहा है, और या कोई फ्रेज मिल सकती है जो पास्ट को बता रहा है।
तो इस तरह से ये एडवर्ब्स भी वहां आती है। और उसके अलावा जो सिंगल सेंटेंस होंगे जिसमें किसी प्रकार का फ्रेज नहीं होगा, उन सेंटेंस में आपको एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, देन और इन दोज डेज, इस प्रकार के एडवर्ब्स का यूज मिलेगा। अब जैसे मान लो एक वाक्य देखते हैं, सी कुक राइस एट दैट मोमेंट। उसी प्रकार दे इंजॉय द मूवी एट दैट टाइम। अब इन सेंटेंस में देखिए, एट दैट मोमेंट आ गया और एट दैट टाइम आ गया, दोनों ही किसकी एडवर्ब्स है? पास कंटिन्यूस टेंस की। तो हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है? पास कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की फॉर्म भरनी है। अब पास कंटिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है? या तो आती है वॉस और या आती है वर। वॉस किसके साथ आता है? सिंगुलर सब्जेक्ट और किसके साथ आता है? आई के साथ। और वर किसके साथ आता है? प्लूरल सब्जेक्ट। इस वाक्य में क्या रखा है? सी कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर, तो हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या लिखेंगे? वॉस। फिर हमें क्या करना है? कुक की पार्टिसिपल फॉर्म आईएनजी वाली फॉर्म लिखनी है। तो जो कोष्ठक में लिखा हुआ वर्ड उसके साथ हमने क्या जोड़ दिया? आई एन जी, कुकिंग। सी वॉज कुकिंग राइस एट दैट मोमेंट। इसके बाद में दे ब्लैंक स्पेस इंजॉय, यहाँ दे आ रहा है, कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल, तो इसका मतलब यहाँ क्या आएगा? प्लूरल के साथ क्या आता है? वर। और इंजॉय के साथ क्या आ जाएगा? आई एन जी, तो बन जाएगा दे वर इंजॉयिंग द मूवी एट दैट टाइम। और एग्जाम्पल देखते हैं, एक नाउ देन का एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे सीता ब्लैंक स्पेस जंप ऑन द बेड देन। अब जो हमने कहा था कि एट दिस टाइम और एट दिस मोमेंट भी आ सकता है, लेकिन उसके साथ पास्ट का इंडिकेशन आएगा, उसमें हम कैसे देखते हैं बाकी कैसा आता है वो भी देखते हैं। जैसे सेंटेंस आ गया, यू ईट फ्रूट्स एट दिस टाइम यस्टरडे। अब यहां देखो, यस्टरडे आ गया है, यस्टरडे। और यस्टरडे कौन से टेंस में आता है? पास्ट टेंस में आता है। पास्ट की कोई भी टेंस का होता है उसमें यस्टरडे आ सकता है, और ये वैसे पास्ट सिंपल का है। तो मैंने कहा था पास्ट का कोई भी इंडिकेशन आ जाएगा, पास्ट का कोई भी टाइम आ जाएगा, और वहाँ यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस की एडवर्ब दे रखी है तो भी हम वहाँ क्या भरेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी प्रकार जैसे इन दोज डेज वाले सेंटेंस का, दे ट्राई ब्लैंक स्पेस ट्राई टू एंड मच मनी इन दोज डेज। अब यहां देखो, ये सभी एडवर्ब्स जो अलग अलग तरीके से हमने देख ली है, पहले आ गया देन, किस टेंस की एडवर्ब है? पास्ट कंटिन्यूस की। फिर आ गया एट दिस टाइम, और उसके साथ में आ गया पास्ट का इंडिकेशन। एट दिस टाइम या एट दिस मोमेंट, साथ में क्या जाता है? पास्ट का इंडिकेशन, तो हम क्या भरते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। फिर आ गया इन दोज डेज, किस टेंस की है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो इन एडवर्ब्स को देखकर हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की वर्ब जो है ब्लैंक स्पेस में फिल करेंगे।
पास कंटिन्यूअस बनना मतलब वॉज या वर का यूज। पहले वाक्य में सीता सिंगुलर तो आ जाएगा वॉज, दूसरे वाक्य में यू प्लूरल तो आ जाएगा वर, तीसरे वाक्य में दे प्लूरल तो आ जाएगा वर। अब पार्टिसिपल फॉर्म, जंप की पार्टिसिपल फॉर्म होती है जंपिंग, ईट की पार्टिसिपल फॉर्म होती है ईटिंग, और ट्राई की पार्टिसिपल फॉर्म होती है ट्राइंग। तो इस तरह से आप एडवर्ब्स को देखकर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को फिल करते हैं। विद्यार्थियों, अगले वीडियो में हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अदर स्पेशल रूल्स पढ़ेंगे, जिनके आधार पर हम फिल इन द ब्लैंक्स जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब की आएगी उसमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को भरेंगे। थैंक्स। जय गुरुदेव।